हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्रमस्टिक करी की रेसिपी। वैसे तो ये करी साउथ में बहुत ज़्यादा बनती है, बट आज मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट किचन में जाते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ड्रमस्टिक ली है और इसकी स्किन मैंने निकाल दी है। इसकी स्किन अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कड़वी लग सकती है। तो अभी इसे मैं फिर से एक बार वॉश कर लूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने गैस पे एक स्टील का बर्तन रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और अभी उसमें मैं डालूँगी 2 ग्लास पानी। और पानी डालने के बाद हमें उसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब डाला है और 1 चम्मच हल्दी। और अभी इस पानी को हम उबाल आने देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पानी को उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो गैस की फ्लेम में कर देती हूँ मीडियम। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये सारी ड्रमस्टिक और इसे अभी हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हमें मसाले की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मूंगफली। ये रोस्टेड मूंगफली नहीं लिया है मैंने। और ये है 1/3 कप ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दूसरा पैन भी चढ़ा दिया है और उसमें मैं डाल दूँगी ये मूंगफली तेल। अगर आपके पास मूंगफली तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली तेल को डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और तेल गरम होने के बाद मैं उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच राई। राई डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 ड्राइड रेड चिली। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं और उसके बाद हम डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर को ग्रेट कर लिया है। ये है 1 टेबलस्पून गार्लिक। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और 30 सेकेंड सॉटे करने के बाद हमें उसमें डाल देना है ऑनियन। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का ऑनियन बारीक चॉप कर लिया था और अभी हमें इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और अभी हम ड्रमस्टिक को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुई है या नहीं। तो हम ऐसे ड्रमस्टिक लेके उसमें नाइफ डाल के देखते हैं। ये देखिए, ड्रमस्टिक सॉफ्ट हो गई है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अभी इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट और ग्राउंड नट का पाउडर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था और अभी मैं इसे पूरा डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जल जाएगा। और यहाँ पे हमें इसे 2 मिनट तक सॉटे कर लेना है क्योंकि हमने कोकोनट और मूंगफली को कच्चा ही लिया था, उसे हमने सेका नहीं था। तो इसे हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसे मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अभी इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और नॉर्मल रेड चिली पाउडर, जो हम रोज़ की सब्ज़ी में यूज़ करते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है।
उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच सांबार मसाला। अगर आपके पास सांबार मसाला नहीं है तो आप धनिया पाउडर और गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो। और मसाला डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और मसाला डालने के बाद भी मैंने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। और अभी हम इसमें डाल देते हैं ये ड्रमस्टिक पानी के साथ। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। याद रखिए हमने पानी में भी नमक डाला था, तो अभी हमें नमक कम यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और डाल देते हैं बहुत सारा धनिया और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसकी लीड लगा के हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि ड्रम स्टिक का फ्लेवर करी में अच्छे से उतर आए। यहाँ पे मैंने 6 से 8 इसे अच्छे से पका लिया है। और अभी मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारी ड्रमस्टिक करी बनके रेडी है। तो अभी गैस को कर देते हैं बंद और इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। वैसे तो हम ड्रमस्टिक सांभर में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप ड्रमस्टिक करी ज़रूर बना के देखिए। इसे आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हो और रोटी के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। तो जिस तरीके से मैंने ड्रमस्टिक करी बनाई है, उस तरीके से आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।